बीआरओ के महानिदेशक ने बताया, भारत चीन से सटे बॉर्डर पर कई निर्माण गतिविधियां चला रहा है। पीएम मोदी आज जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहला C-95 मेगावाट विमान वायुसेना को सौंपेंगे। महाराष्ट्र में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज वर्धा में करेंगे रैली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार का बिगुल फूकेंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने FIR रद्द करने की चंद्रबाबू नायडू की याचिका को आज तक के लिए स्थगित किया। प्रियंका गांधी अगले महीने मध्य प्रदेश के धार में करेंगी रैली। कोलकाता के चांदनी चौक में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग। रमेश विधूड़ी पर बोले ओवैसी, वो दिन दूर नहीं जब संसद में किसी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होगी। एशियन गेम्स में वुमन एयर फाइल में भारत की रामित आशी चौकसे ने जीते 2 पदक। खालिस्तानियों के बाद अब नाजियों का सम्मान कर घिरे कनाडाई पीएम, विपक्षी नेता ने की निंदा। कनाडा की संसद में नाजियों के सम्मान पर स्पीकर ने माफी मांगी, विपक्षी नेता का ट्रूडो पर निशाना। यूपी में धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ RSS चलाएगी मुहिम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3 की तीव्रता। बिहार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में आज शामिल होंगे नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहुंचे राहुल गांधी, भूपेश बघेल ने किया स्वागत। शहडोल के उमरिया हाईवे पर पेड़ से टकराई कार, 5 लोगों की मौत। पीएम मोदी के MP दौरे के बीच उमा भारती ने दोहराई महिला आरक्षण में OBC कोटे की मांग। केरल के 4 जिलों में PFI वर्कर्स के ठिकानों पर ED की छापेमारी। यूपी में बीजेपी विधायक के रिश्तेदार सहित 3 के खिलाफ केस दर्ज, फर्नीचर वाले से की थी मारपीट।